मेक्सिको के एक प्रेमी जोड़े ने आगरा में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। वैदिक मंत्रों के बीच अग्नि के साथ फेरे लिए। इस बीच इस अनोखी शादी में दूल्हे राजा रिक्शे पर बैठकर आए। गाइड, ड्राइवर और अन्य भारतीय साथी बराती बने। गुरुवार देर रात तक गीत संगीत और जमकर डांस भी हुआ। दरअसल मेक्सिको के रहने वाले दुल्हा सेरेमिको और दुल्हन क्लाउडिया ने बताया कि हमारे बीच 10 साल पहले प्रेम हुआ था, लिव इन में रहना शुरू किया। उसी दौरान ताजमहल और भारतीय हिंदू संस्कृति के बारे में पढ़ा। जब हमें पता चला कि 7 फेरे लेकर पूरे रीति रिवाज से शादी करने पर 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ मिलता है, तो हमने भारत आकर ताजमहल का दीदार करने के बाद शादी का प्लान बनाया। सुबह सूर्योदय के समय ताजमहल देखने के बाद मंदिर में शादी की। इस विदेशी कपल को ये लगता है कि मोहब्बत की निशानी के सामने भारतीय संस्कृति से शादी करने पर वो जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहेंगे और उनके बीच कभी प्यार कम नहीं होगा। शादी के लिए विदेशी कपल ने आगरा के प्रिया होटल के मालिक गौरव गुप्ता से संपर्क किया। इसके बाद पास ही के एक मंदिर में उन्होंने पंडित की मौजूदगी में सारे रीति रिवाजों के साथ फेरे लिए। शादी के दौरान उनके गाइड, उनके ड्राइवर और आगरा में जो भी लोग उनके संपर्क में आए, सभी परिवार सहित शामिल हुए। इसके अलावा मेक्सिको से उनके खास 20 लोग शादी में शामिल हुए। सभी ने खास रिश्तेदारों की तरह रस्में निभाई और फिर रात में डिनर सेरेमनी के समय जमकर डांस किया। मंडप में आने और शादी के बाद विदाई के लिए सजाए हुए तांगे का इस्तेमाल हुआ। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।